यह वर्ब की सीरीज़ की तीसरी वीडियो है इससे पहले मैं वर्ब पर दो वीडियो बना चुका हूँ पहले वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ वर्ब का इंट्रोडक्शन कराया था मैंने आपको ये बताया था कि भाई वर्ब क्या होता है और जो हमने वर्ब की डिफिनीशन पढ़ रखी है वो क्यों आधी अधूरी है उसके अंदर क्या क्या गलती है वर्ब जुमले में क्या क्या कर सकता है और क्या क्या चीज़ें वर्ब हो सकती है उसके अलावा जो दूसरी वीडियो थी इसके अंदर मैंने आपको वर्ब के दो अहम टाइप्स यानी कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का इंट्रोडक्शन कराया था आपके साथ आपको जो है ना वहाँ पर इनके टाइप्स भी बताए थे बहरल डिटेल में अब आगे जाने वाले हैं आज की वीडियो में हम फाइनाइट वर्ब्स पर बात करेंगे इन किसी वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर बात करेंगे ठीक है तो आज हम उसी टॉपिक को आगे लेकर जा रहे हैं और हम डिटेल में जा रहे हैं तो आज हम फाइनाइट वर्ब्स के जो अहम टाइप्स है उनको पढ़ेंगे अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना वर्ब की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए मेरे चैनल पर

हैव क्या है यानी कि इनके फॉर्म्स फिर क्या क्या बन जाती है क्या कौन कौन से वर्ब्स हैं जो वर् बी में आते हैं डू में आते हैं और हैव में आते हैं ठीक है थीके? तो आज इन चीज़ों को हम पढ़ने वाले और ये इंतहाई अहम टॉपिक है तो ये आपके कई सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट वर्ब्स की भाई फाइनाइट वर्ब्स होते क्या है वैसे तो मैं खैर पिछली वीडियो में इसकी डिफ़ीशन आपके साथ इसकी डिफ़ीशन आपको बता चुका हूँ मैं फिर भी इसको दोबारा बता देता हूँ फ़ाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो जुमले में सब्जेक्ट के मुताबिक जुमले में टाइम और टेंस के मुतल तब्दील होते हैं यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जुमले के अंदर सिर्फ़ एक ही पार्ट ऑफ स्पीच ऐसा है जो तब्दील होता है अपने सब्जेक्ट के मुताबिक और अपने जो है ना क्या कहते हैं टेंस के मुताबिक तब्दील होने की सलाहियत रखता है वो होते हैं वर्ब तो जो वर्ब सब्जेक्ट और टाइम टेंस की वजह से तब्दील होते हैं वो हमारे पास फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं और जो नहीं होते वो हमारे पास नॉन फाइनाइट्स कहलाते हैं इनके बाद नॉन फाइनाइट्स पर फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाएंगे तो आज बात करते हैं फाइनाइट की ठीक है अब एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में भी आपकी गो का एग्जाम्पल आपको दिया था क्योंकि ये बड़ा ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है इसको जो है ना इससे बड़ी आसानी से इसको समझा जा सकता है और भी बहुत सारी मिसालें आपको दूंगा क्योंकि हम डिप में पढ़ने वाले हैं तो मिसालें बहुत सारी होंगी ताकि आपके जितने भी शकूक है वो क्लियर हो सकें तो मिसाल के तौर पर मैं जुमला इस्तेमाल करता हूँ आई गो टू स्वाद मैं स्वाद जाता हूँ तो इस जुमले के अंदर अगर इस जुमले का मैं टेंस चेंज करूं तो सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर तब्दीली आनी है और वो है वर्ब अगर उस वर्ब के अंदर तब्दीली आ जाती है वैसे ज़रूर आती है जब भी आप जुमला चेंज करो तो एक ना एक वर्ड के अंदर तब्दीली जरूर आती है और वो जो वर्ड होता है वो फिर वर्ब होता है और जो है ना वो हमारे पास कहलाता है फाइनाइट वर्ब्स ठीक है अब कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं अगर तब्दीलियाँ नहीं आती फिर नॉन फाइनाइट वर्ब्स में उनको पढ़ेंगे आई गो टू स्वाद अगर मैं टेंस चेंज कर देता हूँ मैं इसको ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है मैं इसको पास्ट इंडेफिनेट में ले जाऊँ तो मुझे कहना होगा आई वेंट टू Swat. इसी तरह अगर मैं फ्यूचर में इसको ले जाऊँ तो आई will गो टू Swat. वहाँ पर जो है ना इसके साथ ये गो के साथ वेल का भी इजाफा हो जाएगा यानी कि वेल और गो जो है ना दोनों एक साथ काम कर रहे हैं इसके अलावा अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर ही अगर मैं इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसको, इसको इस्तेमाल करूँ तो मुझे फिर गो का गोस करना होगा ही गोज टू स्वाद इसी तरह अगर आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में ले जाओ तो ही इज गोइंग टू स्वाथ अगर आप इसको पास कंटिन्यूस में ले जाओ तो ही वाज गोइंग टू स्वाद तो वहां पर जो है ना आ, गो का गोइंग बन जाता है गोइंग के साथ फिर इज एम आर का इस्तेमाल होता है हो सकता है मुमकिन है कि आपने पहले सुना हो कि वर्ब की जो आई फॉर्म है आ, ये दरअसल नॉन फाइनाइट होती है ठीक है मगर ऐसा नहीं है कि ये हमेशा नॉन फाइनाइट होती है ये फाइनाइट भी होती है जब इसका इस्तेमाल वर्बी के साथ किया जाता है तब ये फाइनाइट होती है हमारे पास और जब इसका इस्तेमाल वर्बी के साथ नहीं किया जाता तब ये नॉन फाइनाइट होती है वो खैर जो है ना बारी बारी से मैं जो है ना एक एक चीज़ को आगे डिस्कस करूँगा वो आपको ऐसा ऐसा समझ में आता रहेगा बस आपने जो है ना मेरे साथ जुड़े रहना है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके मगर इसके टाइप्स पर, पर फाइनाइट वर्ड तो आप समझ चुके होंगे इसके अलावा इज़ इस फाइनाइट वर्ब्स है आर फाइनाइट वर्ब ये सारे इसके ही टाइप्स है इस इन टाइप्स को पढ़ेंगे तो ये फाइनाइट वर्ब्स की ही वजाहत होती रहेगी आगे ठीक है अगर आप पूरी तरीके से नहीं समझे हो तो घबराने की बात नहीं है क्योंकि इन टाइप्स को पढ़ेंगे तो फाइनाइट वर्ब्स ही आपके सामने कुल करा रही होंगी चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इज की मिसाल के तौर पर ही इज़ अ नाइस बॉय अगर मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चे चेंज कर दूँ तो फिर अगर सब्जेक्ट में यू कर दूँ तो फिर मुझे कहना होगा यू आर अ नाइस बॉय अगर मैं सब्जेक्ट आई को कर दूँ तो फिर मुझे कहना होगा तो हो आई एम तो देख रहे हो कि एज एम आर जो है ना ये बदल रहे हैं तो ये भी हमारे पास फाइनाइट फॉर्फ है अगर इसी तरह हम टेंस चेंज करते हैं तो वेल बी शैल बी इसके अलावा जो है ना वाज़ वर जिस भी टेंस में ले जाओ उस टेंस का जो है ना ये वर्ब में तब्दीली आती रहेंगी बाकी की चीज़ें जो है वो अपनी जगह पर सेम रहेंगी तो ये हमारे पास फाइनाइट फॉब्स है इनके टाइप्स पर बढ़ने से पहले वर्बी वर्डू और वर्बेव की जो फॉर्म्स हैं इनको समझ लेते क्योंकि आगे जो है ना फिर इनका जो है ना इस्तेमाल आगे आएगा और इनकी बातें आएंगी अगर हम इनको जान चुके होंगे तो फिर बड़ी आसानी होगी यहाँ पर आपने एक बात और याद रखनी है और वो ये है कि वर बी डू और हैव की जो यूज़ेज है उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा उनके ऊपर फिर अलग वीडियोस बनाएंगे क्योंकि इसको जो है ना अलग से बड़ी डिटेल दरकार है वर् बी पर अलग से बनाएंगे डू पर अलग से और है पर अलग से अभी की वीडियो में बस इनको सिर्फ जान लो ताकि आपको अगर इनके आगे नाम आए तो फिर मसला ना ठीक है तो वर् बी के अंदर हमारे पास आ जाता है एज एम आर वाज वर बी बीन और बीन तो ये जो है वर् बी की फार्म से आपको बस इतना कह दूँ कि आप ये रट लें अभी फिलवक के लिए रट लें आगे जब मैं इसको फिर जो इसकी यूजेज बताऊँगा तो फिर आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि इनको कहाँ कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है तो ये जो फॉर्म्स हैं हमारे पास तमाम की तमाम ये बी की फार्म कहलाती है यानी कि बीन जो है ये भी वर्ब बी है बेंग भी वर्ब बी है वर्भी वर्ब बी है बी खुद भी वर्ब बी है इस भी वर् बी है यह तमाम के तमाम ही हमारे पास वर्ब बी में आते हैं इसके अलावा दूसरा हमारे पास आता है वर्ब डू तो वर्ब डू जो है इसके हमारे पास कुल तीन फार्म हैं ये है डू डिड और डस इसके अलावा जो हैव है इसके भी हमारे पास कुल तीन फार्म हैं एक है हमारे पास हैव दूसरा हेस है और तीसरा हेड अच्छा तो भाई लिंकिंग वर्ब इसे हम कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं और इसको पहचानना बड़ा ही आसान है बल्कि इसकी पहचान तो इसके नाम के अंदर ही मजमर है लिंकिंग वर्ब अब लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब जो दो चीजों को लिंक करे ठीक है उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब अब लिंकिंग वर्ब की एग्जाम्पल चलो मैं आपको ये समझाता हूँ ठीक है बहुत ही आसान है लिंकिंग वर्ब दरअसल ये होते भी ये हमारे पास लेक्जिकल वर्ब भी होते हैं जितने भी लिंकिंग वर्ब है तमाम के तमाम हमारे पास लेक्जिकल वर्ब है मेन वर्ब से वो जब लेक्जिकल वर्ब के टाइप में आपको अभी पढ़ाऊंगा इसके बाद तो फिर जो है ना वो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा ठीक है अब लिंकिंग वर्ब का काम ये होता है कि सब्जेक्ट को और ये हमारे पास कंप्लीमेंट के दूसरे से मिलाते हैं एक मिनट के लिए आप कंप्लीमेंट को जो है ना ऑब्जेक्ट ही समझिए जैसे ये ऑब्जेक्ट नहीं होता ये कम्प्लीमेंट होता है इसके ऊपर मैं एक मुफसल वीडियो बना चुका हूँ बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इन स्क्रीन पर मैं एक वीडियो को लगाऊंगा उसके अंदर सब्जेक्ट के टाइप्स होंगे ऑब्जेक्ट के टाइप्स होंगे कंप्लीमेंट के टाइप्स होंगे और जो है ना बड़ी मुफसर 25 मिनट की वीडियो है पर बहुत ही काराम वीडियो है उसके अंदर आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ठीक है के ऑब्जेक्ट क्या होता है कम्प्लीमेंट क्या है इनके बीच में फ़र्क क्या है इनके टाइप्स क्या है कौन कौन सी चीज जो है ना वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है कौन कौन सी चीज ऑब्जेक्ट नहीं लेती तमाम किस्म के सवाल आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे वो जरूर देख लेना एंड स्क्रीन पर जब ये वीडियो ख़त्म हो रही होगी ना जो आखिरी बीस सेकेंड है तो वहाँ पर आपको वो वीडियो स्क्रीन पर दिख रही होगी वहाँ से आप उस वीडियो को डायरेक्ट प्ले कर देना ठीक है अच्छा तो मैं ये बता रहा था कि भाई इसका काम ये होता है ये जो है ना सब्जेक्ट को और जो कम्प्लीमेंट होता है ये उसको आपस में लिंक करते हैं अगर आपको मैं मुख्तसर बताऊँ ना तो जो लिंकिंग वर्ब है इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ये बताने के लिए किया जाता है कि सब्जेक्ट और ये जो चलो आप फिल अब ऑब्जेक्ट कह लीजिए जो सब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों एक ही शख्स है ये दोनों जो है ना ये कोई अलग लोग नहीं है जुदा लोग नहीं है तो इनके लिए लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है लिंकिंग वर्ब के, के, के मुताबिक दो अहम बातें हैं वो आपने हमेशा याद रखनी है एक ये है कि लिंकिंग वर्ब जो होते हैं इनके बाद हमेशा ही सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट का इस्तेमाल होता है यानी कि इनके बाद जो इस कम्प्लीमेंट का इस्तेमाल होता है ना वो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा होता है आप उस कम्प्लीमेंट की वीडियो को ज़रूर देख लेना उसकी अगर आप 25 मिनट की वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस पर बेसिक्स ऑफ ग्रामर की प्ले मैंने बनाई उसके अंदर कम्प्लीमेंट की सेपरेट वीडियो भी है वो गालिबा पाँच छः मिनट की होगी आप वो भी देख सकते हो मगर मैं आपको मुकम्मल इसलिए रिकमेंड करूँ ताकि जितने भी आपके डाउट्स है सारे एक दूसरे के साथ मुंसलिक टॉपिक्स हैं ताकि वो ख़त्म हो सके अच्छा तो भाई इनका काम ये होता है कि भाई ये ये बताते हैं कि ये जो कम्प्लीमेंट आया है ये दरअसल सब्जेक्ट खुद ही है अब मैं आपको एग्जाम्पल आप यहाँ पर मैंने लिखी है मैं इनके मदद से आपको समझाता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ तो पहले मिसाल में हमने लिखा है शी इज़ ब्यूटीफुल वो खूबसूरत है तो ये शी हमारे पास यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और ये जो इज है ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है ये लिंक कर रहा है इस सब्जेक्ट को और इस कॉम्प्लीमेंट को ठीक है शी इज़ ब्यूटीफुल वो खूबसूरत है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इस जुमले के अंदर खूबसूरत कौन है ये ब्यूटीफुल जो है ये कौन है ये ब्यूटीफुल शी ही तो है यानी कि शी और ब्यूटीफुल एक ही शख्स है तो लिहाजा ये हमारे पास यहाँ पर लिंकिंग verb के है और ये लिंक कर रहा है शी और ब्यूटीफुल को ये बता रहा है कि ये जो कम्प्लीमेंट है जिस जिसको जुमले को कम्प्लीट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है ये दरअसल सब्जेक्ट ही है ये इनका यही काम होता है आगे जब हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे तो आप और बेहतर तरीके से फिर इस बात को समझ पाओगे कि भाई उनमें और इनमें फर्क है अच्छा दूसरा एग्जाम्पल है आई एम अ टीचर मैं एक उस्ताद उस्तादूँ तो भाई मैं सब्जेक्ट है और ये टीचर अगर आप मुमकिन है कि आप सोचोगे ये तो नाउन है ये ऑब्जेक्ट होगा ये ऑब्जेक्ट नहीं है ये हमारे पास कंप्लीमेंट है सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है आप कंप्लीमेंट की वीडियो को देख कर अपने ये डाउट वहां से क्लियर कर देना ठीक है तो आई एम अ टीचर तो एम यहाँ पर क्या है एक लिंकिंग वर्ब है ये लिंक कर रहा है आई को और टीचर को लिंक कर रहा है कि भाई मैं एक उस्ताद हूँ तो ये इससे हमें एम से हमें पता चलता है कि भाई ये जो आई है और ये जो टीचर है ये एक ही शख्स जुदा लोग नहीं है इसी तरीके से हमारे पास अली लुक्स अपसेट अली उदास दिखता है या दिख रहा है या दिखता है ठीक है तो यहाँ पर अली उदास दिखता है तो इस जुमले के अंदर ये अली जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये जो अपसेट है ये कंप्लीमेंट है तो ये लुक्स हमारे पास एक लिंकिंग वर्ब है ये लिंक कर रहा है इन दोनों को इसकी मदद से लुस्फ की मदद से हमें पता चलता है कि भाई अपसेट कौन है अपसेट हमारे पास अली है ठीक है ना अपसेट अली है और अली अपसेट है कि यार ये दोनों लोग जो है ना ये एक ही शख्स है तो लिंकिंग वर्ब का यही काम होता है इसके अलावा लिंकिंग वर्ब की एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये वर्ड्स लिखे हैं ये जितने भी वर्ब भी है ना आपको पिछली स्लाइड में आप देख चुके हैं ये तमाम के ताउ ही हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स हैं वर्ब भी हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स है उसके अलावा ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं मैं इसकी अगली जो है ना अभी इसके बाद जो मैं आपको हेल्पिंग वर्ब पढ़ाऊँगा यानी कि अगजलरी वर्ब तो उसके अंदर फिर आपको वो भी पढ़ाऊँगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझाऊँगा तो ये इज एम आर वाज वर बी बीन वगैरह तमाम के दामी हमारे पास लिंकिंग वर्ब है और इसके अलावा फील लिंकिंग वर्ब है वेल बी शेल बी सीम लुक बिकम और वगैरह इस किस्म के ऐसे अल्फाज ना ऐसे जितने भी अल्फाज हैं कि जिनकी मदद मतलब से हमें ये पता चले कि अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स है तो वो तमाम के तमाम ही हमारे पास लिंकिंग वर्ब है लिंकिंग वर्ब के मतलब दो बातें आपने याद रखनी है एक लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल जुमले में अकेला किया जाता है यानी कि लिंकिंग वर्ब अकेला आता है लिंकिंग वर्ब के साथ फिर दूसरे वर्ब का इस्तेमाल अमूमा नहीं किया जाता जब लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है ना क्लॉज के अंदर तो उस पूरी क्लॉज के अंदर बस उसी लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है ये लिंकिंग वर्ब ही हमारे पास मेन वर्ब होता है और ये आपको मैं पिछली जो है ना वर्क के इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि जब एक जुमले के अंदर अगर फकत एक वर्ब आया ना तो वो हमारे पास लिग्जिकल वर्ब होगा यानी कि वो हमारे पास प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब होगा ठीक है तो ये जितने भी ऐसे वर्ड्स है इनका इस्तेमाल अगर इनका इस्तेमाल किसी दूसरी तरह किया गया तो फिर उस सूरत में तो लिंकिंग वर्ब नहीं है आपने ये बात याद रखनी है कि आपने इस बात को देखना है कि आया इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक शख्स है कि नहीं अगर एक शख्स है तो वो लिंकिंग वर्ब है अगर एक शख्स शख्स से मेरा मुराद एक एक चीज़ है कि नहीं है ज़रूरी नहीं कि वो शख़्स हो वो पेन भी हो सकता है वो कोई जानवर भी हो सकता है वो कोई आइडिया ख्याल भी हो सकता है मगर होना उन दोनों को एक चाहिए ठीक है अगर वो एक है तो लिंकिंग वर्ब है अगर वो एक नहीं है तो उस सूरत में वो लिंकिंग वर्ब नहीं होगा एक तो ये पहचानें दूसरी ये पहचानें कि भाई इनका इस्तेमाल अकेले होता है इनके साथ फिर दूसरे वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता और तीसरी पहचान ये है कि इनके साथ जब जिस कम्प्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है ना जैसे कि हानि बिकेम अ डॉक्टर हानि डॉक्टर बन गई तो इस जुमले के अंदर हानि कौन है हानि तो डॉक्टर है और डॉक्टर कौन है वो हानि है तो इस जुमले के अंदर ये जो कम्प्लीमेंट होता है ना ये सब्जेक्टिव कम्पलीमेंट होता है ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट नहीं होता यानी कि ये कम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा होता है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता कि उसको कंप्लीट किया जाए तो खैर कम्प्लीमेंट की वीडियो आप जरूर देख लेना ताकि आपको उसके हवाले से डाउट क्लियर हो सके तो मुझे उम्मीद है कि आपको लिंकिंग वर्ब समझ में आ गया होगा अगर अभी भी थोड़े बहुत डाउट्स बाकी है तो वो आगे जब मैं हेल्पिंग वर्ब आपको भी समझाने वाला हूँ वो समझाऊंगा तो आपके वो तमाम के तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अब बात करते हैं वर्ब्स तो अगजलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमारी टेंस की पहचान में और मूड की पहचान में इस इनकी मदद से हमें जो है ना टेंस की पहचान होती है और सेंटेंस के मूड की पहचान होती है तो इसलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और इसके अलावा इसके दो टाइप से हमारे पास एक कहलाते हैं प्राइमरी एग्जीलरी वर्ब और उसके अलावा जो दूसरी टाइप है वो कहलाती है मॉडल एगजिलरी वर्ब तो एग्जिलरी वर्ब की चलो मैं आपको आ, मैं आपको जो है ना इसके टाइप्स समझा देता हूँ क्योंकि इसी के टाइप से इसके टाइप्स अगर आप समझ गए तो आप एग्जिलरी वर्ब को समझ पाओगे ठीक है तो जो एक टाइप हमारे पास बनती है प्राइमरी एग्जिलरी वर्ब्स तो प्राइमरी एक्सिलरी एग्जीलरी ऐसे होते हैं कि इनसे हमें जुमले में टेंस का पता चलता है टाइम का और टेंस का पता चलता है यानी कि जब इनका हम इनके इस्तेमाल को सेंटेंस में देखते हैं ना तो हमें पता चलता है कि भाई किस टेंस की बात हो रही है और किस टाइम की बात हो रही है तो इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है एज एम आर ऑजवर शॉर्ट ये है कि भाई जो जितने भी हमारे पास वर्ब बी है वर्ब डू है और उसके अलावा वर्ब है वो तमाम के तमाम ही हमारे पास प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है और इनके अलावा हैड बीन हैज बीन विल हैव बीन वेल हैज बीन ये तमाम के तमाम भी हमारे पास प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं ठीक है तो अब इनका काम ये होता है कि भाई ये हमें टेंस बताते हैं और इनसे हमें टाइम का पता चलता है एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखी है अली हैड प्लेड क्रिकेट अली क्रिकेट खेल चुका था तो यहाँ पर हैड की मदद से हमें पता चलता है कि भाई ये जो क्रिकेट खेलने का काम है ये कब हुआ है ये जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ है यानी कि ये काम को हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है और ये काम हो चुका है तो इस ये हेड जो है ये पर हमें हेल्प कर रहा है टेंस की और टाइम की पहचान में तो लिहाजा ये हमारे पास कहलाता है प्राइमरी एक्जरी वर्ब इसके अलावा शी इज़ वॉशिंग डिशेस वो जो है ना बर्तन धो रही है तो यहाँ पर इसकी मदद से हमें पता चलता है कि बर्तन धोने का काम अभी जारी है यानी कि अभी इसी वक्त वो लगी हुई बर्तन धो रही है तो इस वॉशिंग से हमें क्या पता चला कि भाई ये काम जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो है ना आ, टेंस है इसके अलावा आई हैव बीन वाचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ तो इस जुमले के अंदर हैव बीन से मुझे हमें ये पता चलता है कि भाई ये टी देखने का काम जो है ये जारी है एक खास वक्त से और यहाँ पर हमने वक्त मैंशन किया सुबह से यानी कि सुबह से लेकर वो अब तक जारी है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का टेंस है जुमला है तो इसका पता हमें बीन की मदद से चला कि भाई ये जुमला जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है इसके अलावा जो हमारे पास मॉडल एक्जरी वर्ब्स है ये हमें मूड बताते हैं यानी कि इनसे हमें लवाजिमत का पता चलता है इनसे हमें एबिलिटी का पता चलता है इनसे हमें पॉसिबिलिटी का पता चलता है इनसे हमें जो है ना दरख्वास का पता चलता है नसीहत का पता चलता है ये इस किस्म के वर्ड्स हैं तो इनके एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा है कैन कुड वेल शेल शुड मस्ट माइट में और ओ टू नीड टू इस किस्म के काफ़ी सारे वर्ड्स है ये तमाम तमाम हमारे पास मॉडल वर्ब्स के हैं आपको मैंने पहले भी बताया था फिर बता रूँ कि मैं इन वर्ड्स पे अलग वीडियोस बनाऊंगा इनकी एक्सप्लेनेशन लिहाजा इन वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के अंदर नहीं होगी क्योंकि इनको अलग अलग वीडियोस दरकार है ताकि इनको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जाए ताकि एक एक बात को खुलकर आपके सामने रखा जाए अभी के लिए तो बस हम मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रूँ कि क्यों जो है ना कौन सा वर्ड कौन से स्पीच से ताल्लुक़ रखता है और किस बिना पर हम उसे उसमें रखते हैं ठीक है तो ये मूड हमें दिखाते तो यहाँ पर हमने पहले एग्जाम्पल लिखा आई कैन स्पीक इंग्लिश मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ ठीक है तो यहाँ पर कैन से हमें एबिलिटी का पता चलता है कि भाई इंग्लिश बोलना जो है ये मेरी एबिलिटी है यानी कि ऐसा मैं कर सकता हूँ इसके अलावा इट माइट रेन टूडे आज हो सकता है बारिश हो तो माइट से हमें आ, इम्कान का पता चलता है कि भाई बारिश की आज इम्कान है इसके अलावा मे आई इन तो मे से हमें इजाज़त का पता चलता है कि भाई जो भी बात की गई है उसके लिए इजाज़त तलब की गई है ठीक है बाकी खैर इसके यूजेज जो है वो फिर मैं इस पर मुफसिल वीडियोस बनाऊंगा हर एक के अलग उनमें आपको समझाऊंगा यहाँ पर मुमकिन है कि आपने प्राइमरी एग्जील वर्ब्स में ये एज एम आर वाज वर ये जो ये जो ये यानी कि ये जो वर्ब भी है इनको देखकर मुमकिन है कि आप कंफ्यूज हो गए हो कि भाई लिंकिंग वर्ब और प्राइमरी एग्जीटरी वर्ब के बीच में फ़र्क क्या रहा यही तो लिंकिंग वर्ब में भी थे तो भाई लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से सॉरी सब्जेक्ट को कम्प्लीमेंट से जो है ना लिंक करना और ये बताना कि सब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट एक है और हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टाइम और टेंस बताना ठीक है और इसके अलावा इसकी आसान पहचान ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जुमले में होगा तो वहाँ पर एक दूसरा वर्ब भी मौजूद होगा एक मेन वर्ब जैसे कि यहाँ पर हेड के साथ प्लेट का इस्तेमाल किया गया इसके साथ वॉशिंग का इस्तेमाल किया गया के साथ जो है ना वॉचिंग का इस्तेमाल किया गया और जो हेल्पिंग जो लिंकिंग वर्ब थे उनमें आप देख चुके हो कि वहाँ पर वर्ब के साथ दूसरा यानी कि वहाँ पर एक ही वर्ब हुआ करता था और वो था लिंकिंग वर्ब जैसे कि ही इज़ अ डॉक्टर तो ही इज़ अ डॉक्टर के अंदर सिर्फ एक ही वर्ब है और वो है इज तो लिहाजा लिंकिंग वर्ब जो है ना वो अकेले इस्तेमाल होते हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ दूसरे वर्ब का आना जरूरी होता है और लिंकिंग वर्ब जो है ये इस इनके अंदर जिस जो सब्जेक्ट होता है और जो कंप्लीमेंट होता है ये एक ही शख्स एक ही जो है ना आइडिया एक ही चीज़ होते हैं यानी कि वह दोनों के दोनों कहीं ना कहीं एक एक तरह से एक जैसे होते हैं यानी कि अली इज़ अ डॉक्टर अली एक डॉक्टर है तो डॉक्टर कौन है अली है अली कौन है डॉक्टर है इसके अलावा शी इज़ अपसेट वो जो है ना उदास है अब उदास कौन है उदास वो है शी है अब शी कौन है शी उदास है तो दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ ये लिंकिंग वर्ब काम होता है कि कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को सॉरी सब्जेक्ट को लिंक करना और यहाँ पर जो है ना हमें इसके टेंस का पता चलता है तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये ऑक्सिलरी वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स इन दोनों को जान लिया होगा अब हम बात करते हैं लेग्जिकल वर्ब्स की जिन्हें हम मेन वर्ब कहते हैं मगर लेग्जिकल वर्ब्स पर बढ़ने से पहले मैं आपको मॉडल वर्ब्स के मुताबिक एक बात बता दूँ जो आगे जो है ना फिर उसको हम आगे की वीडियोस में वो बात जो है ना आपको मजीद एक्सप्लेन होती रहेगी अभी के लिए बस इतना आप जो है ना याद रखें कि ये मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं हमारे पास कि इनके साथ इनका इस्तेमाल कभी भी जुमले में अकेला नहीं किया जाता यानी जब भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा ना तो जुमले के अंदर मॉडल वर्ब के साथ एक दूसरे वर्ब का इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा सिर्फ़ एक सूरत को छोड़कर जब सवाल पूछा जाए तो उस सूरत में उस सवाल के जवाब में ऐसा हो सकता है कि मॉडल वर्ब को हम अकेले इस्तेमाल करें मिसाल के तौर पर अगर आप मुझसे या मैं आपसे पूछता हूँ कैन यू राइट अ लेटर क्या आप ख़त लिख सकते हो तो आपका जवाब ये हो सकता है कि यस आई कैन अब कैन पर जो है ना आपका जुमला रुक सकता है तो इस सूरत में जो है ना कैन को अकेले इस्तेमाल किया गया इसके अलावा जो मॉडल वर्ब्स हैं इनको अकेले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इनको आप बखूबी देख सकते हो कैन के साथ जो है ना वर्ब स्पीक आया है यहाँ पर माइट के साथ वर्ब रेन आया है यहाँ पर मे के साथ वर्ब कम आया है यानी इनके इस्तेमाल अकेले नहीं होता इनके साथ एक दूसरी वर्ब जरूर आती है और इसके अलावा एक दूसरी जो इसके मुतालिक जो अहम बात है मॉडल वर्ब के मुतालिक वो ये है कि मॉडल वर्ब के साथ बेर इन्फिनेटिव यानी कि जीरो इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है अब इन्फिनेटिव तो हमने पढ़े नहीं है जिन्होंने पहले पढ़े होंगे तो वो समझ चुके होंगे पर जिन्होंने नहीं पढ़े तो घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि मैं जो है ना ये वीडियोस बनाता जा रहा हूँ अगर मौत बीच में हायल नहीं हुई तो बहुत जल्दी इन जो है ना इन्फिट पर भी वीडियो बनाएंगे बस आपकी अभी के लिए बस आप इतना याद रखें कि मॉडल वर्ब का इस्तेमाल जब भी होगा ना तो उस जुमले के अंदर जिस वर्ब का इस्तेमाल होगा वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा आप वहाँ पर सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई कैन के साथ स्पीक आए जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर है माइट के साथ रेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ दर मे के साथ कम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर् आप ये नहीं कह सकते आई कैन स्पोक इंग्लिश और आई कैन स्पोकन इंग्लिश नहीं आपको अगर ये टेंस चेंज करना है तो आप मॉडल वर्ब को चेंज कीजिए आप इसके साथ वर्ब को चेंज ना कीजिए इसी तरह ये जो मॉडल वर्ब है यानी कि इसके साथ जो वर्ब आया इसकी बेस्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगी इसी तरह इट माइट रेंड टूडे को छोड़कर आप इट माइट रेंड टूडे नहीं कह सकते इसी तरह मे आई कम इन को छोड़कर आप मे आई कैम इन नहीं कह सकते आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना तो ये मॉडल वर्ब है इनके साथ हमेशा ही बैर इन्फिनेटिव यानी कि द बेस फॉर्म द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है तो ये बॉडर बहुत जरूरी वर्ब थे मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुके होंगे अब बात करते हैं लेक्सिकल वर्ब्स की तो लेक्सिकल वर्ब्स को मेन वर्ब्स भी कहते हैं तो भाई ऐसा होता है ना कि एक जुमले के अंदर एक वर्ब का होना जरूरी है कम से कम एक वर्ब का ज़्यादा भी हो सकते हैं मगर मिनिमम एक जुमले के अंदर एक वर्ब जरूर होगा और जब अगर किसी जुमले के अंदर एक वर्ब हो तो वो हमारे पास मेन वर्ब कहलाएगा यानी कि लेक्सिकल वर्ब भी कहलाएगा उस दूसरे पार्ट के साथ यानी कि जब मैंने आपको लिंकिंग वर्ब समझाया थे तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल अकेले किया जाता है कि लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल जब होता है तो फिर वहाँ पर दूसरे वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो अब ये जो लिंकिंग वर्ब है यही हमारे पास लेग्जिकल वर्ब है अब इसका मतलब ये नहीं कि ये लेगजिकल वर्ब हो गया तो ये लिंकिंग नहीं रहा ये लिंकिंग वर्ब भी है और ये लेग्जिकल वर्ब भी है और इसके अलावा जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है तो उन जुमलों के अंदर हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो हमारे पास आ, वर्ब आती है वो हमारे पास प्रिंसिपल वर्ब या लेगजिकल वर्ब के लिए या मेन वर्ब कहिए वो कहलाती है तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो किस्म के हैं अगर हमारे पास जो है ना मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हो तो उसके साथ भी जो है ना लाजमी होता है किसी वर्ब का इस्तेमाल तो यहाँ पर जो है ना ये स्पीक हमारे पास लेग्जिकल वर्ब है यहाँ पर रेन हमारे पास लेगजिकल वर्ब है यहाँ पर कम हमारे पास लेग्जिकल यानी कि मेन वर्ब है और इसके अलावा यहाँ पर हेड के साथ प्लेट का इस्तेमाल किया गया तो ये प्लेट हमारे पास आप मैन वर्ब है यानी कि लेक्जिकल वर्ब है वॉशिंग हमारे पास लेक्सिकल वर्ब है वॉचिंग हमारे पास लेक्सिकल वर्ब है तो जितने भी मेन वर्ब्स हैं ना वो तमाम के तमाम ही लेक्सिकल वर्ब्स हैं चाहे फिर वो वर्ब की दूसरी किसी भी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और आपको जो है ना इससे काफ़ी फायदा हुआ होगा अगर अगर आप पहले इसके बारे में नहीं जानते थे अगर आप जानते भी थे तो आपकी जो है ना अच्छी खासी रिवीजन हो चुकी होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अगली वीडियो में मिलते हैं हाफिज़